हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं शिरडी के साईं बाबा के धाम में। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि यहां की वीडियो बननी चाहिए, सो यहां पे मैं आ चुका हूं। और अभी मेरे बैक साइड में आप देखेंगे चावड़ी मंदिर है, यहां पे द्वारका माई मंदिर है, और यहीं पे ये पूरा शिरडी के साईं बाबा का मंदिर का कॉम्प्लेक्स है जिनमें कई सारे मंदिर हैं। और यहां पर आपको किस किस मंदिर में जाना चाहिए और कहां कहां घूमना चाहिए, कितने की यहां पे खाना मिलता है, कहां पे फ्री में खाना मिल सकता है, कहां पे फ्री में स्टे मिल सकता है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और यहाँ की तरह तरह की चीज़ें बताऊंगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा, और छोटी बड़ी हर एक टिप्स मिल जाएगी जिससे आप सस्ते में या फिर फ्री में भी यहाँ पे घूम सकते हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए बाबा साईंनाथ के दर्शन। मैं हूँ पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड पर, और यहीं से आपको मिलती है बस शिरडी के लिए। वैसे अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो इनडायरेक्ट आप तो नासिक की बस लेके जा सकते हैं, बीच में चेंज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी यहाँ से मिल जाती है। तो लगभग 5 घंटे लगते हैं, अभी आएगी बस तो मैं दिखाऊँगा और फिर चलेंगे डायरेक्ट शिरडी के लिए। साईं बाबा धाम के दर्शन के लिए आपको शिरडी पहुँचना होता है जो कि महाराष्ट्र में है, और शिरडी में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी है, लेकिन यहाँ ट्रेन और फ्लाइट बहुत कम जगहों से आती है, इसलिए यहाँ पुणे या मुंबई पहुंचकर बस से पहुंचना सबसे सुविधाजनक माना जाता है। शिरडी के लिए जो अपनी बस है वो आ चुकी है, और ये रही पुणे धूले बस है जिसमें शिरडी होते हुए मनमाड़ मालेगांव होते हुए ये धूले तक जाती है। तो इसी से जाएंगे और बस की कंडीशन कुछ देखते हैं कैसी है, कुछ इस तरह की है। सो काम चलाओ बस है और इसी का सहारा है फिलहाल। तो पुणे और मुंबई से एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह की बसेस शिरडी के लिए जाती हैं। हालांकि एसी बस की फ्रीक्वेंसी कम होती है। पुणे से शिरडी की इस बस का फेयर 295 रुपीज है, जबकि मुंबई से लगभग 350 रुपए, वहीं एसी बस का पुणे से 440 रुपए लगता है, जबकि मुंबई से लगभग 500 रुपए। मुंबई से शिरडी की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जबकि पुणे से शिरडी की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। शाम के लगभग 4:30 बजे शिरडी में आ गया हूँ, और लगभग 5.5 घंटे यहाँ पर पहुँचने में लगे हैं। बस स्टैंड यहाँ का कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे कई जगहों से बस आती है, इवन हैदराबाद वगैरह से बस आती है, सूरत, बड़ौदा और भुसावल वगैरह, नंदगांव, बहुत सारी जगह है जहाँ से बसेज आती हैं महाराष्ट्र और गुजरात के इलाकों से, हैदराबाद से भी आती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी बस की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पैसे भी तो बच रहे हैं आपके। शिरडी पहुँचने के बाद शुरू होती है होटल ढूंढने की कोशिश, और अगर आपको सस्ते होटल या डॉर्मेट्री चाहिए तो यहाँ बस स्टैंड पर ही आपको 300 रुपए में ही 3 बेड के रूम मिल जाते हैं, मतलब केवल 100 रुपए एक पर्सन पर खर्च आता है। शिरडी का जो बस स्टैंड था वो आपको सामने दिख रहा होगा, और यहाँ पर होटल है सामने, ठीक, होटल आनंद पैलेस, और इसके आसपास में भी और भी कई सारे होटल हैं अगल बगल में। तो यहाँ पर मैंने रूम ले लिया है, और ये रहा रूम, डबल बेड रूम है, और वॉशरूम कुछ इस तरह का है। तो नॉर्मल सा रूम है, एसी रूम है, और ये मिला है मुझे लगभग 900 रुपए में,
तो डिपेंड करता है आप कब आ रहे हैं। जनरली यहाँ पर काफ़ी सस्ते रूम्स मिल जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। मतलब नॉन एसी रूम तो आपको 500 रुपये 600 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन एक माइंडसेट आप करके आना कि 800 से 1000 रुपये का आपका खर्चा होटल पे लग सकता है। और बस स्टैंड के आसपास में ही आपको मिल जाएंगे, मंदिर के आसपास में भी आपको इसी रेंज में होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो होटल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके खर्च नहीं होंगे। शिरडी में आज के दिन रेस्ट करने के बाद अगले दिन अब जाना था साईं बाबा के दर्शन के लिए। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो बैग तो रखते ही हैं, और लगेज कभी कभी ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम होती है। और आपका अगर स्टे का मन नहीं है तो आपके लिए यहाँ पर लगेज के लिए काउंटर है जो कि पूरी तरह से फ्री है। तो ये फ्री बैग क्लॉक रूम यहाँ बस स्टैंड के ठीक सामने ही है, जहाँ पर आप आराम से अपना लगेज रखें, और अगर आपका यहाँ रुकने का प्लान नहीं है तो लगेज ड्रॉप करके और फिर उसके बाद अपना मंदिर में दर्शन करके वापस यहाँ से लगेज पिक करके आप बस से वापस जा सकते हैं। तो ये सुविधा यहाँ पर शिरडी के बस स्टैंड के ठीक सामने अवेलेबल है। शिरडी में आपको जो नाश्ता सुबह का मिलता है सब तरह का मिल जाएगा, वड़ा पाव भी मिल जाएगा, साबुदाना खिचड़ी भी मिल जाएगा, और ये मैंने लिया साबुदाना टिक्की वगैरह। तो ये उपवास स्पेशल है तो जिनको खाना है वो भी ले सकते हैं। पोहा वगैरह भी मिल जाता है, तो सभी तरह के यहाँ पर नाश्ते वगैरह मिल जाते हैं और काफ़ी जेन्युइन प्राइस में मिल जाता है। 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये में आपका पेट भर जाएगा नाश्ता वगैरह। साईं बाबा का मंदिर शिरडी बस स्टैंड से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि शिरडी रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। साईं बाबा मंदिर से थोड़ा सा पहले ही और बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे ही, दोनों के बीच में पड़ता है ये स्थान, जहाँ पर आपको ये लड्डू प्रसाद बिक्री केंद्र है, यहीं पे रेलवे आरक्षण केंद्र है, यहीं पे शौचालय है, और यहीं पर थोड़ी मार्केट भी लगती है जहाँ पर आप कुछ प्रसाद ले भी सकते हैं और प्रसाद के रेट्स वगैरह भी फिक्स हैं। तो ये जो काउंटर है यहीं पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, और टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, और अगर टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। बाकी ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये आपका जाएगा शिरडी के साईं बाबा मंदिर की तरफ। साईं बाबा मंदिर के पास जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपको मार्केट बड़ी होती हुई दिखाई देगी। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे मार्केट है, इसके पीछे प्रसाद की भी मार्केट है। इवन साथ साथ चलते हैं, और जो खुशबू एक होती है ना अगरबत्ती कह लें या धूप बत्ती की, वो आपको पूरी यहाँ पर मिलेगी। तो ये मार्केट है, आगे मार्केट है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ भी मार्केट गई हुई है। सो कहीं पे भी आप जो भी चाहें शॉपिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, मूर्तियाँ ले सकते हैं, और भी बहुत सारी। साईं बाबा के मंदिर में कैमरा, मोबाइल, बैग, लेडीज पर्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप अपना वॉलेट यहाँ ले जा सकते हैं। साईं बाबा के मंदिर में 3 टाइम की आरती होती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दोपहर की आरती, नून आरती जो लिखा हुआ है, मध्याह्न आरती हिंदी में जिसको कहते हैं, वो होती है 11:15 सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक। उसके बाद धूप आरती होती है एज पर सनसेट टाइम लिखा हुआ है, 1/2 आवर बिफोर एंड आफ्टर द आरती, मतलब आरती के पहले और आरती के बाद भी आधे घंटे पहले। और शेज आरती है जो कि रात को 10 बजे होती है, और जो मंदिर की टाइमिंग है वो भी क्लियर कर देता हूँ। सुबह 6 बजे मंदिर ओपन हो जाता है और शाम रात को लगभग ये खुला रहता है 11 बजे तक। तो इस टाइम पीरियड में आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। अब कब आपको भीड़ नहीं मिलेगी? भीड़ आपको नहीं मिलेगी अगर आप आते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अगर आप थर्सडे को आते हैं तो थर्सडे का दिन होता है साईं बाबा का, तो इसलिए भीड़ होती है, और सैटरडे संडे चूँकि वीकेंड होता है इस वजह से भीड़ होती है। तो ये टाइम पीरियड में अगर आप आते हैं तो जो मैंने आपको बताया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को भीड़ कम होती है, और जो टाइमिंग होती है अगर 2 बजे दोपहर में आप आते हैं तो कहते हैं भीड़ कम मिलती है।
सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रख कर आप यहाँ पर आएँ तो आप शायद भीड़ से बच जाएँ और अपना समय बचा लें और आसानी से दर्शन कर लेंगे। मेरे बैक साइड में जो आप भक्तों की लाइन देख रहे हैं, ये साईं बाबा मंदिर में जाने के लिए नहीं है, ये जो लाइन है ये है द्वारका माई के लिए। और यहाँ पर साईं बाबा 60 वर्षों तक यहीं पर निवास किए थे, एक तरह से उनका निवास स्थान कह सकते हैं, और द्वारका माई मस्जिद भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर वो शिला है जहाँ पर वो बैठा करते थे, भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, और साथ ही यही वो स्थान है जहाँ पर वो ज्वाला जलती थी, धूनी होती थी, जो भभूत होता था वो दिया जाता था, भक्तों को देते थे और अपने हाथों से यहाँ पर भोजन बनाया करते थे। तो ये वो स्थान है, काफ़ी मान्यता है यहाँ की और काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर आए हैं। बोलो बाबा साईं की जय। साईं बाबा मंदिर से लगभग आधा एक किलोमीटर की दूरी पर साईं प्रसादालय में फ्री भोजन की सुविधा भी मिलती है, जहां सुबह 10 से रात 10 बजे तक भोजन मिलता है। हालांकि इसके लिए आपको लगभग आधे घंटे से एक घंटे तक लाइन में भी लगना पड़ सकता है। दक्षिण मुखी मंदिर के पीछे आप आते हैं तो एक ऐसी जगह दिखाई देगी जहां आप देख के खुश होंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आज भी चाय केवल 2 रुपए में मिलती है, कॉफ़ी 3 रुपए में मिलती है और दूध 3 रुपए में मिलता है। तो आप सोचो कितना सस्ता है। साईं बाबा का प्रसाद है, यहाँ की कैंटीन है साईं बाबा की, तो यहाँ पर आप आए। लाइन थोड़ी सी लगी है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन सस्ते में आपका काम हो जाएगा और अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और द्वारका माई से ही ठीक आगे पड़ता है श्री चावड़ी मंदिर, जहां साईं बाबा अपने भक्तों के जुलूस के साथ आते थे, और यहां साईं बाबा के चरण पादुका और फोटो के भक्त आज भी दर्शन करते हैं। और इसी के ठीक सामने है साईं भक्त हाजी अब्दुल बाबा जी की झोपड़ी। साईं बाबा के धाम में मुझे यहाँ शिरडी में ही रहने वाले भक्त मिले हैं, तो यहाँ पे रहते हुए कैसा एक्सपीरियंस लगता है? बहुत बढ़िया, हमारा बहुत सौभाग्य है कि मतलब हम लोग यहाँ पे रहते हैं और रोज दर्शन करने का मौका मिलता है बाबा का। अगर किसी को मतलब परेशानी हो रही है यहाँ पे मतलब आने में, हाँ मैं जैसे अगर यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आया, अगर कोई पूछ दे कि यहाँ पे मतलब मेरे पास प्रॉब्लम है, सुविधा है क्या, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं किराया है, 20 रुपये किराया है, तो पर रूम में मतलब एक रूम मिल जाएगा उनको, एक 24 आवर ये करने के लिए, 24 आवर रहने के लिए, रहने के बाद उसी में खाने पीने का सुविधा, फ्री सुविधा एकदम बाबा के, एकदम फ्री सुविधा है बाबा के। जो साईं बाबा का बड़ा भोजनालय आपको पता होगा शायद, प्रसाद ले, तो वहाँ पे भी फ्री है, सब फ्री है यहाँ पे और अच्छी सुविधा है। आपने जगह का नाम क्या बताया? धर्मशाला से 1 किलोमीटर के पास में। अच्छा, किसी से पूछ लेंगे पता, कोई भी बता दें। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपके पास पैसे भी नहीं है तो कोई बहाना नहीं चलेगा, साईं बाबा आपके लिए है यहाँ पर, और आप आराम से यहाँ पर आकर सारी सुविधाएं आपकी, रहने खाने की दर्शन करने की सुविधाएं हैं, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं बाबा मंदिर में जाने के लिए एंट्री होती है गेट नंबर 2 से, और इस गेट के पहले ही आपको दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के भी दर्शन होते हैं। अब जा रहा हूँ मैं साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, और ये जो गेट है इसके आगे कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, तो डिपॉजिट में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे कई जगह है जहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपना कैमरा या मोबाइल, तो अब इसके आगे मैं आके आपको फिर बताता हूँ कैसा रहा अपना दर्शन। साईं बाबा के दर्शन का एक्सपीरियंस और पूरी डिटेल्स जानने के पहले यहाँ के और भी प्लेसेस और कुछ जरूरी जानकारी ले लेते हैं। श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से यहाँ पर कई सारे स्टे के भी अरेंजमेंट किए गए हैं, जिनमें से एक मैं आया हूँ द्वारावती भक्त निवास में। इसके अलावा एक और भक्त निवास है और एक आश्रम भी है जहाँ पे लगभग 500 कमरे का अरेंजमेंट है। ये भी काफ़ी बड़ा सा जो बिल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी रूम्स काफ़ी सारे हैं। तो रेट की बात कर लेते हैं क्या है यहाँ पर, लगभग AC रूम अगर आप लेते हैं तो 900 रुपये आपका रूम का लगता है चार्ज,
और जबकि नॉन एसी लेते हैं तो 500 रुपीज है। लेकिन खास बात यह है कि एक रूम में तीन लोग रह सकते हैं, मतलब कि एक पर्सन पे अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 300 रुपये पड़ता है, और अगर आप नॉन एसी लेते हैं तो लगभग 150 रुपए के आसपास या 160-170 रुपए पड़ता है। तो काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर आप तीन लोग हैं यहाँ पर रुकते हैं। तो यहीं पर से आप ऑनलाइन जो पेड बुकिंग होती है वो भी करवा सकते हैं, जो दर्शन की होती है, मतलब ऑनलाइन तो करवा के यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ पे भी करवा सकते हैं। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पर्सन अगर होते हैं, तीन से चार पर्सन होते हैं, तो उसके लिए मात्र 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहीं पे छोटी सी कैंटीन भी बनाई गई है, और यहीं पर आपके लिए बस की भी सुविधा दी जाती है, जिससे आप फ्री में, शटल सर्विस है जिससे आप फ्री में मंदिर तक जा सकते हैं, स्टेशन तक जा सकते हैं या आ सकते हैं। ये सुविधाएं यहाँ पर रुकने पे मिलती है, या फिर कोई भी साईं बाबा संस्थान की तरफ से जो भी भक्त निवास बनाए गए हैं जहाँ पर भी है वहाँ से ये सुविधाएं मिलती हैं। आप ऑनलाइन भी इनकी बुकिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको जो चेक इन टाइमिंग है वो 11 बजे होती है मॉर्निंग में। बाकी अगर ऑफलाइन आप बुकिंग करवाते हैं यहाँ पे आके तो कभी भी चेक इन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास है। वैसे तो चेक इन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे जनरल ऑनलाइन चेक इन का टाइमिंग होता है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये यहाँ की इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह कई सारे भक्तीय निवास हैं जहाँ पर आप जाके ये सुविधा ले सकते हैं। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो पेड दर्शन भी होते हैं, जिसके लिए आपको 200 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। शिरडी बस स्टैंड के ठीक सामने ही खंडोबा मंदिर पड़ता है, और साईं बाबा शिरडी में सबसे पहले यहीं आए थे, और इस वजह से इस स्थान का काफी महत्व है। साथ ही यहां पर साईं तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क भी है। साई डिवोशनल थीम पार्क में मैं आ चुका हूँ, और ये गेट भी बहुत ग्रैंड सा है यहाँ पर। और यहाँ का जो एंट्री टिकट है ये है मेरे हाथ में, और वैसे 399 का है, GST लगा के 471 का ये टिकट है। और इसमें तीर्थ यात्रा, लंका दहन, और जायंट स्क्रीन है एक, द्वारका माई है, कई सारे शोज़ वगैरह होते हैं। मैं दिखाता हूँ अंदर जाके क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं मालूम है, लेट्स सी। इस थीम पार्क में आपको साईं बाबा के जीवन काल की घटनाओं को बिल्कुल रियल रोबोटिक के थ्रू एक्सपीरियंस मिलता है, और सभी पवित्र धामों का तीर्थ भी आपको यहां बहुत ही आसानी और एंजॉयमेंट के साथ दिखाया जाता है। साथ ही यहां लंका दहन का शो भी होता है, और साईं बाबा यहां कैसे आए और कैसे प्रसिद्ध हुए इसका भी शो देखने को मिलता है। कुल मिला के लगभग 3 घंटे की इस प्लेस पर बच्चों और फैमिली के लिए ये वर्थफुल प्लेस है। और इसी थीम पार्क के ठीक सामने ही वाटर पार्क भी है। यहाँ पर आप आए तो ये अनार जरूर ले, 10 रुपए का ये एक ग्लास मिल जाता है, काफी जेन्युइन प्राइस है। और मैंने ये यहाँ पे लगभग 1.5 किलो अमरूद लिए हैं, पेरू जिसको बोलते हैं, और 40 रुपए का मिला है, काफी सही है। और अनार काफी सही सही रेट में मिल रहा है। ये चार वाटे लेंगे तो 100 में आएंगे, बताओ। ये चारों आप अगर अमरूद ये पूरा लेते हो तो 100 रुपए में आपको मिल जाए, तो काफी जेन्युइन प्राइस पे यहाँ पे मिलता है। जरूर यहाँ पे आए तो ट्राई करें। साईं बाबा के दर्शन बहुत ही आसानी से हो गए हैं, और ये भभूत मिली है, और इसके बारे में भी मैं आगे बताता हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले कैसा हुआ दर्शन और क्या क्या चीज़ें हुई वो मैं बता देता हूँ। आराम से थोड़ा तो चलना पड़ेगा, मतलब आपको लगभग 5 मिनट वॉक करनी पड़ेगी अगर एकदम खाली रहा तो, और वैसे तो लाइन बहुत लंबी लगती है। और मुझे जो दर्शन हुए हैं मात्र 10 मिनट में दर्शन हो गए हैं, एकदम लास्ट पॉइंट पे जाके लाइन लगी हुई थी, और ऐसा केवल वीकडेज पे होता है और गुरुवार को छोड़ के, और बाकी वीकेंड वगैरह में भीड़ लगेगी और उसमें शायद आपको 2-2.5 घंटे लग जाएँ। बाकी जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये टाइमिंग आप फॉलो करें और इस टाइम पर आएंगे तो आपका जल्दी दर्शन हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 1/2 घंटा लगेगा अगर आप वीकडेज में आते हैं, मतलब ज़्यादा भीड़ की कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे क्या क्या ले जा सकते हैं। तो मुझे ये भभूत मिली है, तो वहाँ पे अगर आप कोई प्रसाद चाहेंगे तो कुछ भी प्रसाद नहीं ले जा सकते हैं, आप केवल अपना पर्स ले जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, नारियल, फूल, माला या फिर प्रसाद, लड्डू,
कुछ भी आप वहाँ पे नहीं ले जा सकते हैं। और जो प्रसाद अगर आपको लेना है तो ये ऑथराइज्ड काउंटर है साईं बाबा का, सो यहाँ पे से आप ले जा सकते हैं। और यहाँ पे मतलब आपका जो ऑथराइज है ऐसे दुकानें तो बहुत हैं। इसके अलावा जो ये भभूत मिली है, जो द्वारका माई टेम्पल है वहाँ पे जो ज्वाला जलती है उसी की भभूत ये होती है, और कहते हैं इसका जरा सा इसको ये अगर आपको मिल गया तो आप फिर यहाँ से साईं बाबा कह माना जाता है कि यहाँ ये मिल गई तो इसके बाद आप यहाँ पे ना रहें, इसके बाद फिर चले जाएं। बाकी अगर आप रहना चाहते हैं तो प्रे करके फिर उसके बाद यहाँ पे रह सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर मंदिर में तीन चार चीज़ें हैं। गुरु स्थान है, बूटी वाड़ा है एक जगह, और उदी वाटप नाम की जगह है। तो ये सारे स्थान हैं और सबकी अलग अलग मान्यता है कि यहाँ पे अगर गुरु स्थान पे आपने दर्शन कर लिया तो इसके बाद आप एक तरह से भक्त हो गए हैं और उनके प्रति और आपकी जो भक्ति है और बढ़ जाती है। तो ये ओवरऑल दर्शन का वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरे दर्शन हो गए और यहाँ पे आ गए। और इसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपको रोग वगैरह कुछ भी होता है तो उससे बहुत ज़रा सा करना होता है तो उससे दूर हो जाते हैं ऐसा माना जाता है। ऐसा नीम का पेड़ भी एक लगा हुआ है तो वो भी है। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे अब खर्चे की बात अगर करें यहाँ पे शिरडी में घूमने की, एक दिन आपके लिए यहाँ पर काफ़ी है। एक दिन में आप दर्शन आराम से कर लेंगे, आराम से यहाँ पर जो प्लेसेस भी हैं वो भी कवर कर लेंगे। हाँ, अलग अगर आप ज़्यादा भीड़ रही, अगर आप सुबह सुबह अपना दर्शन स्टार्ट कर देते हैं तो आपका आसानी से सारा काम हो जाता है। और वीकेंड में आते हैं तो सुबह ही स्टार्ट करें ताकि आप बाकी जगह जो यहाँ की मंदिर भी हैं, कुछ यहाँ पर कुछ प्लेसेस भी हैं, कुछ थीम पार्क हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। और खर्चा करेंगे तो खर्चे की बात अगर करते हैं तो वो केवल आपके लगते हैं मुश्किल से यहाँ पर होटल का, मैं मान के चलता हूँ 500 रुपये होटल का, फ्री की सेवा भी है वो भी पता चल गई होगी आपकी आपको। तो होटल यहाँ पे आपको 500 रुपये पर पर्सन, मील्स आपको फ्री में यहाँ पे भी सुविधा है तो मील्स आपको मुश्किल से 200-300 रुपये, और ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ तक पहुँचने का खर्चा और अंदर यहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं है क्योंकि बस स्टैंड से उतरते ही आपको यहाँ पे साईं बाबा मंदिर आधा किलोमीटर है और 3 किलोमीटर स्टेशन से है। तो मतलब 100-200 रुपये में आप ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, मतलब 1000 रुपये में आप आराम से साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ आने का जो खर्चा होगा वो अलग होगा। सो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी और साईं बाबा ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद उनका बना रहे आप सब पे भी और हमारे ऊपर भी यही कृपा रहेगी। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।